गुड आफ्टरनून सबको नमस्कार कि मैं तायू जेरांग जो उस दिन एलिगेशन दिया था मैं इलेक्शन एजेंट बीजेपी 32 रूम कंस्टिट्यूएंसी का है और मेरा राइट में है मिस्टर अपोन नीतन जनरल सेक्रेटरी मंडल यूनिट 32 रूम एसटी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। ये मेरा लेफ्ट में है मिस्टर हाबू ताली जो मौलम का जब इंसिडेंट हुआ था उसका पोलिंग एजेंट है 2019 अप्रैल का पोलिंग एजेंट है। तो आप सभी को मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि उस दिन देखा तो प्रेस में बहुत हम लोग का और हमारा केंद्रित का ऊपर में बहुत एलिगेशन लगाया है। तो एक्चुअली जो एलिगेशन जो लोग दिया था वो जहाँ तक मेरा जानकारी है वो बेसलेस एलिगेशन था और जितना लोग एलिगेशन दिया था तो उसी के लिए अकॉर्डिंगली आर ओ 32 रूम कंस्टिट्यूएंसी का ऑर्डर से या एशियाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तहत जो एलिगेशन दिया था उसको रिफॉल हुआ है 2024 को रिफॉल हुआ है। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है उसमें सीमित होना चाहिए और पदार्थ ऐसे खुश नहीं हुआ है। और एक चीज़ है जैसे बात का बात है योसिंग का उसमें भी बोर्ड कैप्चरिंग का एलिगेशन दिया है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है योसिंग में भी ऐसे कुछ नहीं हुआ है, जो एलिगेशन दिया है वो रॉन्ग है। तो एक चीज़ है फिर फैमिली का बारे में जैसे एक्सोन है सब चीज़ को कंसीलिंग कर अंदर में छुपा के रखा है ऐसे कुछ एलिगेशन दिया था, दो तीन बीवी है बोल के। देखिए अरुणाचल में ये हम लोग अरुणाचल टोटली 100% ट्राइबल स्टेट है। सिर्फ हम लोग अरुणाचल में ही नहीं तो जहाँ जहाँ में ट्राइबल लोग हैं या ट्राइबल नहीं होने से भी बहुत फिल्म एक्टर या फिल्म इंडस्ट्री का भी देखिए दो दो बीवियाँ होता है शादी होता है। वो तो दैट इज एक्चुअली व्हाट आई फील इज दैट दिस इज टोटली पर्सनल चीज़ है। तो सिर्फ तालेम ताबो दो बीवी शादी किया है चार बीवी शादी किया ये बात नहीं। अब देखिए सारा अरुणाचल में नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश ये ट्राइबल स्टेट में ये होता है पॉलीगेमी सिस्टम होता है। तो एक्चुअली जो उस दिन इंसिडेंट हुआ था हाँ हम इलेक्शन एजेंट हैं लेकिन ऑन दैट वेरी डे आई वॉज नॉट एट देयर, हम उसमें नहीं था। एग्जैक्टली क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मेरा आँख से हम नहीं देखा था। तो उसका विषय में मेरा जो हाबू ताली जो उससे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि उसमें जो आप देखा था उधर में रियली वो बोट कैप्चरिंग था ना क्या हुआ था आप थोड़ा हाबू ताली आप पोलिंग एजेंट था उस दिन का आप थोड़ा क्लियरिफाई कर दीजिए। गुड इवनिंग एरिया पेटर्निटी और यहाँ पे मैं आने का इंटरेस्ट भी नहीं था फिर भी एक इलेक्शन पोलिंग एजेंट का होने का नाते यहाँ पे आ रहा है। वहाँ में मोलम 22 मोलम उसमें हम लोग को एक एनपीपी का एजेंट ने एलिगेशन दिया है बेसलेस एलिगेशन, इसको हम क्लियरिफिकेशन करने के लिए आया हुआ है। एक्चुअली वहाँ पे मोलम में वोट कैप्चरिंग नहीं हुआ है, वोट कैप्चरिंग नहीं हुआ है ये हम थोड़ा टाइम लेंगे डिटेल्स बताएंगे क्यों नहीं हुआ है। आप लोग लॉजिकली सोच के देखिए पर्स वोट वोटिंग करते समय में 453 वोटर्स में 400 कास्ट किया है और सेकेंड में जो रीपोल हुआ है उसमें 399 कास्ट हुआ है। तो सोच के देखिए वो लोग पर्स जो वोट कास्ट हुआ है उसमें एनपीपी का एजेंट लोग वॉक आउट किया है फिर भी वोट कैप्चरिंग हुआ है बोल के वो लोग हम लोग को बदनाम दे रहे हैं। वहाँ पे वोट कैप्चरिंग होने से 453 में
इतना 453 ही वोट मारना था, वो आप लोग लॉजिकली लगा के देखिए। और एनपीपी एजेंट ने ये बात कर रहा है कि हम लोग को हमारा हुआ का ये मोलम बस्ती को इतना बदनाम कर रहा है कि मोलम बस्ती जो आप लोग भी सुन रहा होगा, इतना छोटा सा गांव है, फिर भी आज तक जितना 32 में लीडर्स हैं और वहाँ से निकलता है और एक मोलम जो डिसिप्लिन वाला बस्ती है 32 में गिना जाता है उसमें। तो इलेक्शन एजेंट हम लोग को ऐसे बदनाम दे रहा है कि मेरा हिसाब से इलेक्शन एजेंट जो जब मोलम देरे में आते समय में वो एक लीडर की तरह जो चीफ गेस्ट आ रहा है ऐसे टाइप का सबको हाय हेलो करके ऐसे करके वह हमें मजाक कर रहे हैं जैसे कर रहा था। तो मेरा हिसाब से वो एक इलेक्शन एजेंट है, एक जानकारी आदमी है, वो उस वो ऐसे करना चाहिए कि इनविजिलेटर का तरह आना चाहिए। लेकिन ऐसे होने के बाद ये हम लोग एलिगेशन दे रहे हैं कि बाहर से किसके निकाल दिया, ऐसे कर दिया, अपना जगह में इतना सीनियर सिटीजन को कैसे ऐसे किसके निकालेगा, आप लोग भी लॉजिकली लगा के देखिए। और मोलम में पुलिस फोर्स नहीं था, ऐसे बात नहीं है, पुलिस फोर्स तो डिप्लॉय करके रखा था फर्स्ट वोटिंग में भी, तो ऐसे कैसे करने देगा। उसके बाद जब मोलम में स्मूथली हो रहा था, स्मूथली हम लोग वोटिंग हो रहा था, होते समय में इलेक्शन एजेंट आने के बाद मोलम में क्या हुआ है, कुछ 30 मिनट ऐसे एक घंटा ऐसे होने के बाद इलेक्शन एजेंट ये एनपीपी इलेक्शन एजेंट आने के बाद क्या हुआ है, जो हम लोग का वाक का पोलिंग एजेंट लोग एक एक करके फोन में बात करके वॉक आउट हो गया। तो हम लोग तो मालूम नहीं था कि समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम लोग मालूम नहीं हो रहा था। तब भी हम लोग वोटिंग जो कंटिन्यू हो रहा था, तो बाद में देखा जाए तो रास्ता में जो हमारा मोलम रास्ता जो रास्ता को ब्लॉकेज किया है, इतना बड़ा बड़ा ये लकड़ी 3-4 गिरा के रखा है रास्ता में। तो इसलिए हम ये 32 और अरुणाचल के वासियों को हम यही बोलते हैं कि और आप लोग जानिए मीन्स ऐसे झूठ मूठ का रॉन्ग एलिगेशन बेसलेस ये सबको विश्वास नहीं होना है, क्योंकि मोलम में ऐसे नहीं हुआ है, हम लोग को ऐसे बदनाम दे रहा है वो लोग। जब एनपीपी एजेंट आने का बात ही ये सब हुआ है, अच्छा क्यों वो लोग पेड़ काट के गिराया है, और मोलम में आप लोग देखिए मोलम में ये जो वोट हुआ था और उसमें थैंक यू एंड थैंक यू देन ये हिस मिस्टर अपोर नितंत इज जनरल सेक्रेटरी मंडल तरते तिरुम्बम कंस्टिट्यूंसी। तो उसमें और सारा कुछ एलिगेशन डेवलपमेंट के बारे में भी एलिगेशन दिया है, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अपोर टू जस्ट क्लेरिफाई दैट पार्ट ऑफ। थैंक यू, आप सबको नमस्कार। मैं इलेक्शन एजेंट श्री करमूर जरांग जी ने आरोप लगाया कि हमारा 32 में कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है, तलेम तबो अभी का प्रेजेंट विधायक कुछ डेवलपमेंट काम नहीं करता है बोल के उसने उस दिन आरोप लगाया, एलिगेशन लगाया। तो मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ, एंड माय नेम इज़ अपोर नितंत जनरल सेक्रेटरी बीजेपी मंडल 32 रुमगोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ, पहला आरोप उसने लगाया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ काइंग टाउनशिप रोड नेटवर्क 5.50 किलोमीटर अंदर CRF, उसने कहा कि उसमें कुछ भी नहीं किया, डेवलपमेंट एक्टिविटी को हमारा तालेम ताबो साहब ने रुका के रखा, होल्ड करके रखा, स्टॉप करके रखा, ये सरासर झूठ है। यहाँ पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, काम अभी शुरू हो गया, काम चल रहा है, वहाँ में कमेटी भी बनाया गठन किया गया है, काम चल रहा है। और मैं हमारे एनपीपी श्री करमूर जरांग हमारा 32 काइंग के अच्छा एक ये है सीनियर लीडर है, वो भी एक सीनियर सिटीजनशिप है, वो हमें यही एलिगेशन लगाता है कि कुछ काम नहीं किया, लेकिन ये गलत बात है।
तो काम उसने काम हमारा ये इसने कंस्ट्रक्शन ऑफ काइंग टाउनशिप रोड नेटवर्क अंदर CRCF काम किया, ये सब ये है सबूत है इसका, आप लोग को बाद में दिया जाएगा, आप लोग उसको ले लीजिएगा। उसके बाद फिर एक उसका आरोप है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम रुमगोंग ADC टू कनेक्ट काइंग ESC यानी कि मोलम टू बोगनन विलेज 23 किलोमीटर इन सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, ये भी गलत है। ये भी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ दिया है, ये भी काम अभी काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी गाड़ी क्या क्या कुछ कुछ सामान वामान वहाँ में पहुँचाया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक अच्छा ये है सीनियर सिटीजन है, हम भी उसे रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो सरासर झूठ है, क्योंकि ये सब ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, क्योंकि वो लोग अभी इलेक्शन हारने जा रहा है, तो इसलिए ये सब झूठा हमें एलिगेशन लगा रहा है कि वो लोग ऐसे करता है, लेकिन ये सब टोटली झूठा है। इलेक्शन में भी आप लोग रिजल्ट को भी देख लीजिए, रिजल्ट को भी हम लोग का तलम तापो साहब जरूर जीत के निकलेंगे, तो वो लोग हार रहा है, इसलिए ये सब बात को वो लोग एलिगेशन लगा रहा है। थैंक यू। चाहता हूँ कि एक्चुअली डेवलपमेंट का बात करने से हमारा नरबल MLA तलम था वो जिसे काम किया, कोई किसी MLA कभी नहीं किया, एक इतिहास एक हिस्टोरिक होगा डेवलपमेंट का बारे में बोलने से, जैसे लाइक अभी कि गवर्नमेंट इसको सारा अवसर जानना चाहिए जो एलिगेशन डेवलपमेंट नहीं किया बोलने कि हमारा तलबदारों का थ्रू से अभी MLA बनने का बाद एक मोस्ट इंटीरियर गाते 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 विलेज होता है, तो वो पगा से कनेक्ट होकर अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी नाउ अभी चल रहा है, और जैसे योशिंग प्लेस है मोस्ट इंटीरियर जहाँ में बिल्कुल उधर अब जाने से कि आप इंडियन टेरिटरी में है ना, कहीं आउटसाइड स्टेट में है, आउटसाइड कंट्री में है, ऐसे सोचने वाला जगह है, तो योशिंग बस्ती में अभी कनेक्टेड है, देन अभी पांकेंग टू बिंगू जहाँ में इट इस लाइक ड्रीम रियली कि हम लोग को ऐसे बिल्कुल नहीं सोचा था कि उधर में रास्ता जाएगा। ओके, तो अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ MLA नरेंद्र हो जो अभी कम्प्लीट हो चुका है, तो देन एक योगम प्लेस है, आप लोग किसी से भी पूछ सकते हैं, योगम बस्ती है उधर में पूरा वो भी खत्म हो गया, और इसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बोलेंग में है, तो ADC रूमो उसमें एक बहुत बड़ा पहाड़ है, लिवर आदिम होता है, लिवर आदिम मतलब पहाड़ है, तो तालेब तक उस आने के बाद वो भी कम्प्लीट हो गया, रूमगोंग टू बोलेंग कम्प्लीट हो गया, और जैसे लाइक हमारा 32 रुमगोंग में सर सर्कल है, सर सर्कल में इतना इंसानियत मतलब रियली ही से गुड ह्यूमन बींग, एंड वो मेडिकल के लिए भी सर सर या एक एक करके वो एम्बुलेंस रख दिया है, और देर आर सो मेनी अदर्स एक्टिविटीज डेवलपमेंट जितना वट एवर जो गवर्नमेंट से दिया था वो भी यूज 100% इन प्रॉपर वे, तो जो कोई भी डेवलपमेंट के बारे में वो डेवलपमेंट नहीं कर रहा है बोलने का, ये सब तो उन लोग भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो काम करता है उसको सब तारीफ करना है, अगर उस आदमी को तारीफ नहीं करेगा आप अच्छा काम करता है, जैसे आप लोग मीडिया पाते हैं, आप लोग डेमोक्रेसी में अच्छा काम करता है, यू आर बोर्न स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी कंट्री, आपको मीडिया पढ़ के अच्छा काम नहीं करता है बोलते उल्टा एलिगेशन देने से व्हाट यू फील आप ऐसे सोच के देखते, तो इसीलिए हम जहाँ तक हम सोचते हैं कि जो काम करता है किसी को भी मतलब नो करने का मिलता है, किसी हुए जो फार्मर हो जो भी हो स्टूडेंट हुए वर जो काम करने रहा अच्छा काम करने तारीफ करने, तो तारीफ नहीं करने से चीज अच्छा नहीं होता है, तो एक ह्यूमन बींग है एक नेचर होता है, अच्छा लगने से अच्छा ही बोलना चाहिए, खराब खराब होना तो खराब बोलना है, तो मैं यहाँ पे मतलब खत्म करना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट तो पक्का करता है, एंड थैंक्स।